तो क्या हाल है लोंडो? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम किंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किंग की एल्बम आने वाली है। तो किंग ने अपने फर्स्ट ट्रैक का पोस्टर लॉन्च कर दिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और उनके फर्स्ट ट्रैक का नाम है पिसाको, जो कि 10 तारीख को रिलीज करने वाले हैं किंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड अपडेट की तरफ। तो सेकंड अपडेट है बेला के बारे में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेला की भी एल्बम आने वाली है। तो बेला का जो फर्स्ट सॉन्ग आने वाला, फर्स्ट ट्रैक जो है, वो 10 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है, जिस दिन किंग का होने वाला है। और बेला के फर्स्ट ट्रैक का नाम है एस्ट्रो वर्ल्ड, जिसको लेकर उन्होंने अपनी एक स्टोरी भी शेयर करी है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट है एमसी स्टैंड के बारे में। तो एमसी स्टैंड का जो है एक पहले का लाइव वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको अभी पहले उसकी लाइव वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए पहले। तुम लोग को मालूम तुम्हारे लिए कुछ तो भी awesome bitch ass बोलने के नहीं करने का, नाम करने का ब्रो। बम गेट लिया मैंने, सॉन्ग गेट किया मैंने, जाते टाइम मिल गए देखो जाता मैं। अब भी जस्ट रिकॉर्ड कर रहे, इसलिए मैं आई लाइव बोला जान दे। घर उसने चेंज करी, छोटा बोला यहाँ पर। तो आप लोगों ने देख ली होगी एमसी स्टैंड की वो लाइव वीडियो, जो कि बहुत पुरानी है और अभी के टाइम पे जो है वायरल हो रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है नेजी, एमीवे और डिवाइन की। मतलब कि मैंने एक पोस्टर देखा था इंस्टाग्राम पे, पोस्टर का एक फोटो है जिसमें ये तीनों साथ में है। और मैं आपको बता दूं ये तीनों किस जगह मिले हुए हैं। ये मिले हुए हैं रेड बुल स्पॉटलाइट के फिनाले में, वहां पर इन्होंने कुछ परफॉर्म भी किया है वो। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी एक छोटी सी क्लिप भी आपको मैं दिखा। आप लोगों ने देख ली होगी वो छोटी सी क्लिप, जो कि रेड बुल की स्पॉटलाइट फाइनल की है, जिसमें ये तीनों साथ में हैं। तो शायद हमको आगे इन तीनों का कोई गाना सुनने को मिल जाए, आई होप। लग रहा है मुझे तो ऐसा, आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अभी अपडेट है बादशाह के बारे में। बादशाह का जो है एक गाना टॉप टकर, उसका उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई और पोस्टर भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाला, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो ये गाना होने वाला है रिलीज, वो भी 8 तारीख को, मतलब कल 8 फेब को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है एजे की तरफ से, एजे बाबा, जो कि लिल गोलू के साथ अभी इलाका गाना आया था ना, उसमें जो है एजे, उसकी तरफ से। तो उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक ट्रैक डाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। तो चलिए मैं आपको एजे बाबा की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप सुन। पहला दिन तो याद होगा तुझको मुलाकात का, बड़े ठाट बाट से किया था वादा जिंदगी के साथ का। तू चली प्यार तोड़ के, पर बात याद रखियो तेरे एक बार के कहने पर आता था थकता हाफता जागता। अक्सर रातों को मैं जागता, सोचो क्यों करती शक तू मेरी हर एक बात का। कभी वक्त मिले तो थोड़ा बैठ सोचिए, और कितना इंतजार रहूं कब तक तकता रास्ता। बसी तू मेरी आंखों में, बसी तू मेरे ख्वाबों में, बनी तू मेरी जिंदगी हंसता बंद आंखों से। मैं बता क्या थी मेरी खता, क्यों मिली ये सजा, रखी थी क्या रजा, क्या था तेरे दिल में, क्यों डाला मुश्किल में, क्यों डोरी डाली प्यार की और जिंदा तूने कसा कसा। सपनों की दुनिया में प्यार की आंधी तेरी याद जब आई मेरी जान ले जा। तो आप लोगों ने देख ली होगी उनकी ये ट्रैक की पूरी क्लिप। तो मुझे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी श्लोका की ओर से। श्लोका का एक गाना आने वाला है, उसका नाम है कजरा, जो कि 12 फेब को रिलीज करने वाले हैं। उन्होंने अपना पोस्टर लॉन्च किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है ऑफिशियल भगत की ओर से। तो भगत का जो है ईपी आने वाला था, तो उसको लेके उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ लिखा है, और मैं आपको अभी उसकी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और इनकी ईपी का नाम है स्टिल सेम, जो कि कल ड्रॉप हो रही है। तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, और आप इनकी ईपी कल देखना, फिर मुझे बताना आपको कैसी लगी। क्योंकि भाई मैं तो देखने वाला हूँ, आप देखने वाले हो कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि गुलजार छानीवाला की ओर से। गुलजार छानीवाला का एक गाना, उसका टीजर लॉन्च उन्होंने कर दिया है आज 4 बजे, और उनके गाने का नाम है दादा रावण। तो चलिए मैं आपको उनकी छोटी सी क्लिप और दिखा देता हूँ, आप देखिए पहले। दादा रावण, देख ली होगी गुलजार छानीवाला की क्लिप दादा रावण, जो कि अलग ही होने वाला है।
तो चलिए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट है पेपोन की तरफ से, पेपोन जो सिंगर है उनकी तरफ से। तो उनका कल एक गाना आने वाला है 8 फेब को, उस गाने का नाम है दोस्त बन बन के। तो मैं अभी आपको उनका छोटी सी एक क्लिप दिखा देता हूँ उनके गाने की, जो कि कल आने वाला है, तो आप देखिए उसको। दोस्त बन बन के मिले मुझे को मिटाने वाले, मैंने देखे है कहीं रंग बदलने वाले। तो आप लोगों ने देख ली होगी पेपोन की वो स्टोरी या उनकी पोस्ट, उन्होंने दोनों पे डाल रखी है जो उनका गाना जो है कल आने वाला। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके गाने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। ये अपडेट है अखिल पाजी की ओर से और उन्होंने स्टोरी लगाई है, उनका कुछ गाना होने वाला है रिकॉर्ड शायद, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनकी स्टोरी में लग रहा है और वो कुछ गा भी रहे हैं। तो चलिए वो स्टोरी में आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो ये सब अपडेट थी आज की जो मैंने आपको बता दी। आप लोगों को कैसी लगी, आपको अगर कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है वो करना, ठीक है। और कल की अपडेट कल लेके आएंगे, तो मिलते हैं कल।